अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए कुछ प्रतिबंध दिया गया है, ठीक है, हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये कौन सा परवलय बनेगा और उसके हिसाब से उसका समीकरण ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, पहला पॉइंट नाभि दिया है, नाभि 6,0। तो देखिए नाभि 6 यानी कि कुछ मान दिया है, तो 1,0 कब होता है, जब परवलय x अक्ष पर होता है, ठीक है, और x अक्ष का नियता दिया हुआ है, तो x इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव x के तरफ बनेगा ये परवलय। देखिए जब पॉजिटिव x तरफ बनता है परवलय तो क्या होता है, फोकस क्या होता है इसका, इसका फोकस a की दूरी पर है, तो 1,0 होता है, और नियता क्या होता है, माइनस के तरफ है और x अक्ष में है, तो x बराबर माइनस a, ये होता है। और हमें ये दो चीज दिया हुआ है, देखिए 1,0, तो अगर मैं तुलना करूं तो a बराबर 6 आ रहा है, ठीक है, और नियता के लिए अगर देखूं तो देखिए क्या है, x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a, ये हमें दिया हुआ है, माइनस 6 दिया होगा, ठीक है, तो माइनस 6 ये हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो a बराबर 6 ये हमें मिल गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा बनेगा, x अक्ष में बनेगा, x अक्ष का परवलय। तो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव x भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव x का परवलय। तो समीकरण क्या होता है इसका, देखिए ये x अक्ष पर है परवलय, तो y स्क्वायर से स्टार्ट होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। हमें समीकरण मान है, यानी x और y का मान एज इट इज रहेगा, बस a का मान पता होना चाहिए, तो a का मान हमें पता है 6, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 6 × x, तो क्या हो जाएगा, 6×6=24x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 24x, ये हो गया समीकरण परवलय का, ठीक है। अब उसी प्रकार से आठवां प्रश्न देखते हैं, हमें नाभि दिया हुआ है 0,-3 और नियता दिया हुआ है y इक्वल टू 3। तो देखिए नाभि 0,-3 कब होगा, सामने 0 है यानी x 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये y अक्ष पर बनेगा ये परवलय। अब पॉजिटिव तरफ बनेगा कि नेगेटिव तरफ बनेगा, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव a दिया है, ठीक है, यहाँ अगर मैं नाभि अगर देखूं तो 0,-a दिया है, तो ये नेगेटिव y के तरफ बनेगा, तो ये परवलय कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए अगर हम सबसे पहले नाभि अगर इसका देखें तो x तो 0 होगा और y क्या होगा, माइनस a, और वही दिया हुआ है 0,-a से कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इसका नियता क्या हो जाता है, सबसे पहले y अक्ष का परवलय है तो y अक्ष, ठीक है, बराबर ये क्या होगा प्लस a, तो प्लस a, तो हमें दिया हुआ है 3। तो जब मैं तुलना करूंगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 ये आएगा, तो a का मान हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब हम समीकरण निकालेंगे परवलय का, तो परवलय का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, ये y अक्ष पर है यानी कि x स्क्वायर से स्टार्ट होगा और जो कि नेगेटिव तरफ है, तो नेगेटिव 4ay, ये हो जाएगा समीकरण। तो x स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4 × a, a क्या है 3 × y, तो 4×3=12, तो −12y, तो x स्क्वायर इक्वल टू −12y, ये हो जाएगा परवलय का समीकरण। अब देखते प्रश्न क्रमांक 9 और 10। देखिए क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिए 0,0 और नाभि दिए 3,0 पर। तो ये शीर्ष क्या होता है और नाभि तो हमें पता है, तो नाभि हमें 1,0 दिया, तो 1,0 कब होता है, जब पॉजिटिव x के तरफ बनता है, तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा पॉजिटिव x के तरफ, ठीक है, शीर्ष यानी कि ये बिंदु जहां से पैराबोला का बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये शीर्ष हमें दिया है 0,0, हम अभी तक जितना भी पैराबोला पढ़े हैं परवलय, वो उसका शीर्ष 0,0 पर ही पढ़े हैं, और आपके सिलेबस में जो पैराबोला है वो शीर्ष 0,0 पर ही है, ठीक है। तो देखिए शीर्ष हमें दिया है 0,0 और इसका फोकस दिया है यानी कि नाभि 3,0। तो देखिए x अक्ष का जो पैराबोला बनता है उसका 1,0 ही होता है, तो अगर मैं दोनों को तुलना करूंगा तो देखिए a का मान क्या आ रहा है, तुलना करने पर a बराबर 3 आ रहा है, तो a का मान हो गया 3। अब देखिए परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण ये होता है, देखिए x अक्ष में तो स्टार्ट की कहां से होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 × a, तो ये हो जाएगा 3 × x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4×3=12x,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये हो जाएगा पैराबोला का समीकरण। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, तो हमें शीर्ष दिया है फिर से 0,0 और नाभि दिया है -2,0। देखिए इस बार क्या प्लस में दिया था, अभी माइनस में दिया है, तो माइनस में दिया है तो ये माइनस एक्स अक्ष की तरफ बन जाएगा, तो ये कुछ पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा माइनस एक्स अक्ष पर, यहाँ पे शीर्ष दिया है 0,0 का और यहाँ पे फोकस नाभि दिया है -2,0 का। तो जब मैं तुलना करूंगा, तुलना करने पर देखिए इस पैराबोला इस परवलय में -A,0 होता है इसका नाभि, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, तो a का मान 2 मिल गया। तो परवलय का समीकरण देखिए, इस परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, ये x अक्ष पर बन रहे तो y स्क्वायर से स्टार्ट होगा इक्वल टू 4ax। अब देखिए ये नेगेटिव तरफ बन रहा है तो यहां सामने नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू -4 into a, तो a का मान कितना है 2x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 to the 8 -8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये हो जाएगा पैराबोला का समीकरण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11, देखिए क्या दिया हुआ है, शीर्ष 0,0, 2,3 से जाता है x अक्ष के अनुदिश है, तो हमें परवलय ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखिए क्या दिया है, x अक्ष के अनुदिश है, यानी कि जो परवलय बनेगा वो x अक्ष में तो बनेगा, ठीक है। एक चीज हो गया कि x अक्ष पर बनेगा परवलय 2,3 से जाता है, तो देखिए 2,3 से जाता है तो 2,3 ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां पे आएगा, ये पॉजिटिव x की तरफ आएगा, ठीक है। अगर परवलय कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तब 2,3 कुछ यहां पे आएगा 2,3, अगर नेगेटिव में होना होता, अगर यहां पे क्या होता है, यह प्लस प्लस होता है, ठीक है, यहां क्या होता है x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, तो यहां के लिए अगर बिंदु दिया रहता तो -2,3 ऐसा कुछ दिया रहता, ठीक है, जो कि दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहला चतुर्थांश में, तो यहां पे होगा कुछ 2,3, ठीक है। और शीर्ष दिया है 0,0, तो 0,0 ये हो गया शीर्ष, और x अक्ष के अनुदिश है, ये तीन चीज हमें दिया हुआ है, हमें इस पैराबोला परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस परवलय का समीकरण क्या होता है, तो हम लिखेंगे परवलय का समीकरण, देखिए क्या होता है, x अक्ष में है तो y स्क्वायर से स्टार्ट होगा इक्वल टू 4ax, जो कि पॉजिटिव तरफ है इसलिए सामने प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, हमें इस समीकरण निकालने के लिए a का मान जरूरी है, तो a का मान तो अभी हमें कुछ दिया नहीं है, ना नियता दिया हुआ है ना नाभि दिया हुआ है जो हम a निकाल सके। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो परवलय है वो एक बिंदु से गुजरता है 2,3 से, तो देखिए जिस प्रकार से कोई अगर रेखा दिया रहता है, वो अगर कोई एक बिंदु से गुजरता है तो वो बिंदु इस रेखा का समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, उसी प्रकार ये जो बिंदु जो गुजर रहा है इस परवलय से, वो इस परवलय का समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2,3 परवलय का समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह 2 और y के जगह 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और x के जगह 2, ये हो जाएगा 4 to the 8 a इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, तो a का मान हमें यहां से मिल जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 9 और ये नीचे जाएगा तो 9/8, ये हो गया a का मान। अब हमें परवलय का समीकरण चाहिए था, तो परवलय का समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4 into a, तो a क्या है 9/8, तो 9/8 into x, ठीक है। देखिए सॉल्व होगा 4 ones 4 twos, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, ये हो गया समीकरण, ठीक है। या तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और क्या लिख सकते हैं, 2y² = 9x, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 11। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, देखिए शीर्ष दिए 0,0, 5,2 से जाता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव एक्सिस पर है, ठीक है, लेकिन देखिए क्या बोला है, वाई एक्सिस के अनुदिश है, यानी कि ऐसा बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई की तरफ बन गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया, शीर्ष 0,0, तो 0,0 y अक्ष के अनुदिश, तो y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। 5,2 से जाता है, तो प्लस दोनों कब आएगा, 5,2, तो यहां पे कहीं आएगा तो 5,2, जहां दोनों प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परवलय बनेगा। अब देखिए इस परवलय का हमें समीकरण ज्ञात करना है,
तो क्या होगा परवलय का समीकरण, देखिए y अक्ष इस पर बना है y अक्ष पर, तो ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। देखिए ये प्लस तरफ बना है इसलिए सामने प्लस है। अब देखिए हमें a का मान ज्ञात करना है, तो ना ही हमें नाभि दिया हुआ है ना ही नियता दिया हुआ है जो हम a का मान ज्ञात कर सके, लेकिन हमें एक बिंदु दिया है जो इस परवलय से गुजरता है, तो क्या करूंगा 5,2 परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, परवलय को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की जगह 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8a, इधर हो जाएगा 25, तो a का मान क्या हो जाएगा 25/8, ये हो गया a का मान। अब हमें परवलय का समीकरण निकालेंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं समीकरण एक से क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4, a का मान क्या है 25/8 गुना y, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 4 × 4 = 8, ठीक है 25/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 25/2 का y, ठीक है ये हो जाएगा उत्तर। या तो इस 2 को इधर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x का वर्ग बराबर 25y, ये भी हो सकता है उत्तर, ठीक है। तो दोनों सही है उत्तर। तो इस तरीके से प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।